हे फैमिली, वेलकम बैक। मैं हूँ निधि और आज का मैं अपना हॉल आफ्टर वॉश हॉल पे शेयर करूँगी, जो कि मीशो और फ्लिपकार्ट से मैंने कुर्ता सेट लिया हुआ था उसका रिव्यू करूँगी। ये फर्स्ट कुर्ता सेट मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, रेयन फैब्रिक का है, साइज M सेलेक्ट किया था मैंने, ब्लैक कलर में लिया था। 3/4 स्लीव है इसमें और ऑल ओवर आपको फॉयल प्रिंटिंग मिल जाएगी पूरे ड्रेस पे, बैक फ्रंट दोनों साइड से स्लिट मिलेगा और वेस्ट लाइन पे आपको यहाँ पे गेदरिंग मिल जाएगी। कलर बिल्कुल भी नहीं गया है, 2 से 3 बार मैंने वॉश कर लिया है, बट फैब्रिक और मोटा हो गया है पहले से, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया है, बट अच्छा ही है, श्रिंक नहीं होना चाहिए फैब्रिक, भले ही मोटा हो जाए। वैसे भी विंटर आ गए हैं अब तो, क्वालिटी अच्छी है, अगर आपको पसंद आता है तो अच्छी डील है। कलर वगैरह कुछ भी नहीं जा रहा है, साइज M लिया था मैंने सो दिखा दिया है और प्रिंटिंग पे भी कुछ असर नहीं हुआ है वॉश करने के बाद। हैंड वॉश किया था मैंने, मशीन वॉश नहीं किया था, क्योंकि जिसमें भी फॉयल प्रिंटिंग होती है उससे हैंड वॉश ही करना चाहिए, या प्रिंट की क्वालिटी पास से देख पा रहे हैं। लुक बहुत ही अच्छा है। ये इसका दुपट्टा है, लेंथ विथ में बिल्कुल परफेक्ट है, चारों साइड लेसेस हैं। दुपट्टे का हल्का सा कलर गया था जब मैंने इसे वॉश किया था तो, बट कुर्ते और ट्राउज़र का नहीं गया था। लेंथ विथ परफेक्ट है, चारों साइड से आपको लेसेस मिल जाएंगी। इसका प्रॉपर रिव्यू भी मैंने किया था चैनल पर जब इसे लिया था, तो उसका भी लिंक दे दूँगी। ये इसका ट्राउज़र है, फ्रंट बैक दोनों इलास्टिक है और एंकल लेंथ का स्ट्रेट ट्राउज़र जैसा मिल जाता है आपको। इस पर भी वही फॉयल प्रिंटिंग की हुई है और नीचे में ऐसे लेस की पट्टी लगाई हुई है जो कि दुपट्टे और कुर्ते में लगाई हुई थी। ये इलास्टिक वाला बैंड आप देख पा रहे हैं, साइज बिल्कुल परफेक्ट फिट है। मैं थोड़ा सा लूज पहनती हूँ इसलिए मैंने M साइज लिया था। नेक्स्ट ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है वो भी दिखा दिया था मैंने। नेक्स्ट ये मैंने मिंट ग्रीन कलर का फ्लिपकार्ट से ही कुर्ता सेट लिया है, जो कि अनारकली पैटर्न में है। L साइज सेलेक्ट किया था मैंने इसमें। ऑल ओवर इस पर बांधनी प्रिंट बोले आप या चुनरी प्रिंट बोले वो किया गया है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। एंकल लेंथ का कुर्ता मिलेगा आपको, 3/4 स्लीव मिलेगी। स्लीव पे ये सिल्वर कलर की कोटा पट्टी की डिटेलिंग है, प्लस नेक पे भी है और आगे ऐसे बटन्स लगाए हुए हैं एम्ब्रॉयडरी के साथ। फ्रंट वाला लुक बहुत ही प्यारा है, बट इसका जो कलर है वो हल्का सा निकला था जब मैंने वॉश किया था, तो एम्ब्रॉयडरी बिल्कुल अच्छी है और ये नीचे के जो टेसल्स लगाए हुए हैं उनका लुक बहुत ही प्यारा है। मिंट ग्रीन वाला जो कलर है वो पानी में आया था वॉश करने के बाद, बट ये जो चुनरी प्रिंटिंग की गई है ये बिल्कुल भी नहीं निकला है, वो प्रिंटिंग वैसी की वैसी ही है। पूरे फैब्रिक पे रेयन फैब्रिक है, इन्होंने पूरे फैब्रिक पे ऐसे चुनरी प्रिंटिंग बनाई हुई है अलग से, जो फॉयल प्रिंटिंग होती है उसी से। और नीचे में ये घेरे वाले पोर्शन में भी इन्होंने ऐसे सिल्वर कलर की लेसेस लगाई हैं। ये इसका टसल्स है जो आगे योक पे लगा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लगा था मुझे इसलिए मैंने वापस से दिखा दिया है। बैक साइड से बिल्कुल वैसा ही है, छोटा सा राउंड नेक है और बैक साइड पे कोई डिटेलिंग नहीं की गई है। एक चीज़ में बताना भूल गई, इसकी जो फ्लेयर है वो कलियों में कट की गई हैं और ये लुक आप पास से देख पा रहे हैं इसकी प्रिंटिंग का। अगर आपको पसंद आता है तो लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। इसका भी मैंने प्रॉपर रिव्यू किया हुआ था जब मैंने इसे लिया था, तो ये बैक साइड से आप देख पा रहे हैं। इसका भी फैब्रिक हल्का सा मोटा हुआ है आफ्टर वॉश। ये इसका दुपट्टा है जो कि बहुत ही चौड़ा दिया हुआ है इन्होंने, नॉर्मल दुपट्टे से बहुत ही चौड़ा दुपट्टा दिया है। ऑल ओवर प्रिंटिंग की गई है चुनरी वाली, जैसे कि कुर्ते भी की गई थी, और चारों साइड आपको सिल्वर कलर की ये गोटापट्टी की लेस मिल जाएगी और वाइट प्रिंटिंग जो इन्होंने कुर्ते पे किया है सेम वही प्रिंटिंग आपको दुपट्टे पे भी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आती है, आप चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे मैंने दुपट्टा पूरा दिखाने के बाद से ट्राउज़र दिखाया था, फ्रंट बैक दोनों में इलास्टिक लगा हुआ है और ऑल ओवर ऐसे चुनरी प्रिंटिंग की गई है। नीचे में थोड़ी सी गोटापट्टी की डिटेलिंग है और समोसा वाली जो लेस कहते हैं उसकी डिटेलिंग है। सेम फैब्रिक है जो कुर्ते का फैब्रिक था वही है ये भी। एल साइज लिया था मैंने इसमें। जिसे भी इस तरीके की वीडियो की नीड हो, अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो उसके पहले अगर ऐसी वीडियोज़ आप देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि आफ्टर वॉश इसका क्वालिटी कैसा होगा। ये नेक्स्ट मैंने मीशो से लिया हुआ है, काफ्तान कुर्ता सेट है जिसमें वाइट ट्राउज़र है, नीचे में टसल्स वाली लेस है, इलास्टिक वाला बैंड मिल जाएगा, रेयन फैब्रिक का आपको मिलेगा ट्राउज़र और नीचे में गोटा पट्टी और ये वाइट थ्रेड का जो लेस है वो लगाया गया है।
इसका भी मैंने प्रॉपर रिव्यू किया हुआ था जब लिया था तो कुछ टाइम पहले। इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है, बट मुझे थोड़ा सा डैमेज रिसीव हुआ था सो मैंने रिटर्न नहीं किया था, ऐसे खुद से ही सही कर लिया था उसे। ये इसका कुर्ता है जो कि काफ्तान पैटर्न में है, आगे में योक बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, येलो कलर लिया था मैंने और यहाँ पे शायद इन्होंने कट दिया हुआ था या लेस में ही कुछ खराबी थी और ऐसे अटैच कर दिया था सो मैंने उसे स्टिच करके सही किया था। प्योर कॉटन का फैब्रिक है इसका, ऐसे चादर जैसा दिख रहा है बट ये बीच में से स्टिचिंग है, अभी आपको पता नहीं चल रहा है। ये आफ्टर वॉश रिव्यू है इसलिए मैंने ट्राई ऑन नहीं दिखाया है, जो रिव्यू वाला वीडियो है उसमें मैंने ट्राई ऑन दिखाया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। चारों साइड आपको लेसेस मिलेंगी थ्रेड वाली और प्लस गोटे पट्टी वाली, और बैक साइड से ये पूरा प्लेन मिलेगा जो प्रिंटेड फैब्रिक है कॉटन का मस्टर्ड येलो वैसा ही। आगे में टसल्स है जो मैंने दिखा दिया और ये एम्ब्रॉयडरी है। वीडियो पसंद आई, आप चैनल में यहाँ तक आए उसके लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।